नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार, साकेत मिश्र की रिपोर्ट। गांडी गढ़वा से खबर। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र की हालत ठीक नहीं है। एक ऐसा गांव जहां आंगनबाड़ी केंद्र का कोई अपना भवन नहीं है, बल्कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित भवन है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। हास्यपद तो यह है कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति मात्र 3-4 बच्चों की ही होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बलियारी पंचायत के सर्व शिक्षा अभियान गढ़ा कला गांव की, जहां उक्त गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका मंजू देवी व सहायिका लीलावती कुंवर कार्यरत है। शिकायत है कि बच्चों को बड़ी मुश्किल से मध्यान्ह भोजन के रूप में केवल खिचड़ी ही मिल पाती है। साथ ही सेविका हमेशा उक्त आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित नहीं रहती। फिलहाल ही वे 2 दिनों से नदारद थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ललन मेहता ने उक्त आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्र सेविका नहीं बल्कि सहायिका के माध्यम से संचालित हो रहा है, जहां 3 व 4 से अधिक बच्चों की उपस्थिति नहीं हो पाती है। साथ ही संबंधित लाभुकों को कोई भी पोषाहार नहीं मिलता है। मुख्य प्रतिनिधि ने कहा कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित शिकायत जिला उपायुक्त से लिखित आवेदन के माध्यम से करूंगा। उन्होंने कहा कि जब उक्त आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति होती ही नहीं है तो आंगनबाड़ी केंद्र चलने का क्या मतलब है। वे उपायुक्त से मांग करेंगे कि जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विलय किया जाए। वहीं सेविका से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि किसी आवश्यक कार्य को लेकर बाहर चली गई थी। इस संबंध में बाल विकास पर्यवेक्षिका संध्या कुमारी से उन्होंने फोन के माध्यम से सूचना दी थी, जबकि बाल विकास पर्यवेक्षिका संध्या कुमारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे फोन के माध्यम से मौखिक रूप से सूचना दी गई थी, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया। सवाल यह है कि जब उक्त आंगनबाड़ी केंद्र में प्राथमिकी शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चे पहुंच ही नहीं रहे हैं तो केंद्र चल क्यों रहा है। यदि केंद्र संचालित भी किया जा रहा है तो आखिरकार बच्चे उपस्थित क्यों नहीं हो रहे। बच्चों की अनुपस्थिति का कारण जागरूकता की कमी या फिर सेविका की लापरवाही का परिणाम भी हो सकता है, जबकि किसी भी लाभुक को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। वरीय पदाधिकारियों की जरूरत है। जहां भी आंगनबाड़ी केवल नाम का चल रहा हो, वैसे केंद्र की जांच कर हमेशा के लिए बंद कर देने की जरूरत है, जिससे कि घोर लापरवाही, बेवजह मासिक वेतन उठाना व अन्य लाभ स्वयं लेना व स्वार्थता मात्र से केंद्र का संचालन करने पर पूर्ण विराम लगे। सूत्रानुसार कांडी प्रखंड में कई ऐसे अनावश्यक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है जहां बच्चे ही नहीं हैं, और यदि है भी तो बहुत ही कम हैं। नाम क्या है बाबू? घर कहाँ है आपका? पापा का नाम? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? किस क्लास में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं बाबू आप? अच्छा, ये बताइए कि आज खाने में क्या मिला था आप लोगों को? खिचड़ी मिला था। प्रतिदिन मिलता है खिचड़ी? और क्या मिला था? कुछ नहीं, केवल खिचड़ी मिला था। आपका नाम? ललन कुमार मेहता। घर? ढेलकाडी। आप कौन हैं? हम मुखिया प्रतिनिधि। आपके पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र है जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाया है जा रहा है, इसमें क्या है सच्चाई क्या है? ये आंगनबाड़ी के बार बार के रवैया है कि जब हम पूछे, आज 15 दिन पहले भी पूछे थे कि केवल लड़का का कोई मीनू होगा ना, तो ना ही केवल खिचड़ी मिलता है, केवल खिचड़ी देना है, केवल खिचड़ी मिलता है। जब मर्जी होता है तब सेविका नहीं, केवल सहायिका पर आंगनबाड़ी चलता है। मैंने ये पुराना आदत है, बार बार का रवैया है। और ये आंगनबाड़ी में एक तो बच्चा नहीं है, 3-4 बच्चा है उसी पर चलता है। अब रजिस्टर देखिएगा तो 15-20-25-30 लेकर उनके हाजिरी बनता है। और ये जब मर्जी तब कहीं चल जाना है, जब मर्जी तब चलाना है, इसके बारे में किसी के बगैर सूचना के चल जाते हैं, चलाते हैं। 2 दिन से गायब थे। आज सेविका से हम पूछे तो बोले कि कल गए हैं, आज आएंगे, कब आएंगे कोई पता नहीं। सेविका का नाम क्या है? सेविका का ललिता कुआ। और जो आंगनबाड़ी सहायिका ललिता कुंवर। सहायिका है ललिता कुंवर। और सेविका नाम मंजू देवी। सेविका का नाम मंजू देवी। धन्यवाद। माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर, लेडीज ड्रेस, किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल, माँ गायत्री गारमेंट्स आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा।